प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कल का वीडियो आपको याद होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कोविड के चौथी लहर के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अलग बात आप लोगों से करने जा रहा हूं। बात बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है, और बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान का समय हम सबको वो करने के लिए बाध्य कर रहा है। दर्शकों, जीवन के अंदर कई बार ऐसा समय आता है जब आप या तो कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, यानी दोनों परिस्थिति में आपको एक चयन करना होता है, या तो आप इस तरफ रहेंगे या उस तरफ रहेंगे, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां वर्तमान के अंदर चल रही है। जब ग्रह नक्षत्र इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जहां आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा कि आप धर्म की तरफ हैं या अधर्म की तरफ हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अधर्म की तरफ नहीं होता है, लेकिन जहां हमारे निहित स्वार्थ होते हैं तो ये संभव है कि हम कोई गलत रास्ता अवश्य अपना लेते हैं। ऐसे में अगर विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा तो हम अपने आप को धर्म के रास्ते पर ही खड़ा हुआ पाएंगे। दर्शकों, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे विश्व के पटल पर बन रही हैं, वो कोई साधारण नहीं है। द कश्मीर फाइल्स मूवी आप लोगों ने देखी, और उसके बाद में जिस तरह का जन आक्रोश आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला है, ये भी अपने आप में आपको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। या तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह सब कुछ झूठ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हां मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा कि आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके अगेंस्ट हैं। यूक्रेन रशिया के अंदर जो हो रहा है उसमें भी आपको एक ना एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि आप यूक्रेन के साथ हैं या रशिया के साथ है। अब ज्यादा समय तक न्यूट्रल नहीं रह सकते, लेकिन एक चीज को समझना है, ये सारी परिस्थितियां क्यों बन रही है? क्योंकि अगर 2025 में ग्रहों की स्थितियां कुछ बड़ा परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है तो उसकी भूमिका तो बहुत पहले से बनेगी, और अगर भूमिका बनेगी तो कुछ घटनाएं भी ऐसी होंगी जिन्हें समझना हमें अवश्य पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो वहां की स्थिति को जानते हैं। ऐसे में भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता कि पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है तो होने देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां पर कोई नई सरकार आएगी अगर मान लीजिए तो वहां पर फिर वही भारत विरोधी गतिविधियां पुनः तेज करने की कोशिश की जाएगी और वो हमारे लिए फिर सरदर्दगी पैदा करेगी। जिस तरह का सिनेरियो पूरे विश्व में चल रहा है, भारत भी आक्रामक रूप अपना रहा है। अभी तक हम पीओके की बात करते थे, अब वो सीओके की बात करते हैं, यानी चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर की बात करने लगे हैं। उससे भी चाइना तिलमिलाने लगा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है भारत। यानी इस समय पर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि हर देश अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कदम तो अवश्य उठाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कोई बड़ी घटना होती है तो लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो उनमें दो विचारधारा तो अवश्य बनती है। कुछ लोग उस घटना की निंदा करेंगे तो कुछ लोग उस घटना को किसी और क्रम में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कुछ ना बोले। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां इस समय पर पूरे विश्व में बन रही है। ऐसे में हो सकता है कि अभी बहुत लोग न्यूट्रल हों, लेकिन समय उन्हें ज्यादा देर तक न्यूट्रल नहीं रहने देगा। आपको ये चुनाव करना ही पड़ेगा कि आप पक्ष की तरफ हैं या विपक्ष की तरफ हैं, चाहे फिर वो राजनीतिक लेवल पर बात हो, देश के हित में बात हो, या विश्व के लेवल पर बात हो। आपको ये चयन तो करना ही पड़ेगा कि आप किस विचारधारा के साथ खड़े हैं।
क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना ब्रह्मांड में घटित होती है और कोई महामंथन होता है किसी चीज को लेकर के, तो विचारधाराएं दो अवश्य बनती हैं, चाहे फिर वो रामायण काल हो महाभारत काल हो। महाभारत काल में भी बहुत से लोग थे जो न्यूट्रल रहना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें न्यूट्रल नहीं रहने दिया। यानी उन्हें ये चयन करना ही पड़ा कि आप किसकी तरफ रहेंगे, आप पांडवों की तरफ हैं या आप कौरवों की तरफ हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा था जो धर्म के रास्ते पर ना जाकर अधर्म के रास्ते पर जाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसका व्यक्तिगत हित किसी के साथ भी नहीं था, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग वो ऐसे लोगों के साथ करना चाहते थे जो कमजोर थे या जो हारने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया। बरबरिक को आप जानते हैं, खाटू श्याम जी के नाम से जो फेमस है, श्याम बाबा के नाम से जिन्हें हम पुकारते हैं, वो भी उसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर उन्हें न्यूट्रल किया, लेकिन एक अलग तरह से किया। वो घटना आप सब लोग जानते हैं। ऐसे में वर्तमान समय भी जब एक बड़े धर्म युद्ध का हो रहा है, तो ऐसे में हमें भी इस महायुद्ध के अंदर जो धर्म की आधारशिला तय करेगा, आने वाले समय में पूरे विश्व को एक नई विचारधारा देगा, ऐसे में आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप लाख प्रयास कर ले, आपको अंततः चुनाव करना ही पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, अपने विवेक के आधार पर एक एक चीज को एनालिसिस कीजिए और फिर अपना निर्णय लीजिए कि आपको किस तरफ खड़े रहना है। क्योंकि ये जब धर्म युद्ध होगा तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर दो धड़े आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब जैसे मैं आपको छोटे से उदाहरण से और समझाता हूं। जब बात आती है इस द कश्मीर फिल्म्स की, आपको कुछ नहीं बोलना वहां तक समझ आती है, आपने कुछ बोलना है वहां तक भी समझ आती है, लेकिन आपको इसके विरुद्ध बोलना है वो बात समझ नहीं आती है। जिस तरह का वक्तव्य अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर दिया, हंसते हुए दिया, इस फिल्म को झूठा कहा, ये किस तरह की विचारधारा है, इसका निर्णय भी हमें करना है। विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी के कार्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, किसी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर को पाल रहा है, लेकिन चोरी करके पाल रहा है, डकैती करके पाल रहा है, या किसी की हत्या करके धन कमा रहा है, तो क्या आप उसे कर्तव्य परायणता कहेंगे कि वो अपने परिवार का पेट पाल रहा है, सही है? क्योंकि उसकी विचारधारा सही नहीं है तो उसका कर्म सही नहीं हो सकता। बेशक चाहे फिर वो रॉबिनहुड बनके उस पैसे से दूसरों की मदद ही क्यों नहीं करता है, लेकिन तब भी उसे सही नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहीं भीख मांगकर भी अगर अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लेकिन किसी ऐसे कार्य में अपने आप को संलग्न नहीं कर रहा है जो देश के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, अन्याय हो, चोरी हो, बेईमानी हो, इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, बेशक चाहे गरीबी के अंदर जी रहा है, तो वो व्यक्ति भी धर्म के रास्ते पर है और निसंदेह वर्तमान का समय उसे अपने कर्मों का भोग भोगने को मजबूर कर रहा है, लेकिन नियति ने उसके लिए भी अच्छा समय जरूर निर्धारित किया है और वक्त आने पर वो व्यक्ति भी उस गरीबी से बाहर निकलकर अपने आप को श्रेष्ठता के शिखर पर जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि कुदरत किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती है। इसीलिए विचारधारा का सही होना बेहद जरूरी है, बेशक फिर चाहे उसके काम की गति धीरे ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके काम अच्छे हैं लेकिन आपकी विचारधारा खराब है, तो आप क्षमा के पात्र भी फिर नहीं है, क्योंकि आपका ये जो विचारधारा का पतन है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। दर्शकों, ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पर है और चूंकि ऐसा होगा ही होगा कि हमें अपना एक चयन तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए ये जो समय चल रहा है, ये उनका बाल भी बाका नहीं होने देगा, और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो,
उनका पतन निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।